बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। रफा पर इसराइली हमला, सऊदी अरब और मिस्र ने खबरदार कर दिया। सऊदी अरब और मिस्र ने इसराइल को जनूबी गजा की पट्टी में वाकया फलस्तीनी शहर रफा पर हमले के सिलसिले में खबरदार करते हुए कहा है कि ये ख़तरनाक नतीज का बायस बनेगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने खबरदार करते हुए कहा है कि रफा शहर पर इसराइल का हमला इंतहाई ख़तरनाक नतीज का बायस बनेगा। मिस्र ने भी तेल अवीव को वार्निंग जारी की है कि अगर फलस्तीनियों को बेघर करके मिस्र मुंतकिल किया गया तो दोनों ममालिक दरमियान अमन मुआहिदा मौतल हो जाएगा। हिजबुल्लाह लबनान ने इसराइल के जासूसी के आलात को निशाना बनाकर धमाके से उड़ा दिया। हिजबुल्लाह लबनान ने 11 फरवरी को एक बयान शाया करके ऐलान किया है कि इसके मुजाहिदीन ने लबनान के मकबूजा इलाकों में इसराइली जासूसी के आलात को निशाना बनाया। फार्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह लबनान के बयान में आया है कि हमने रोएसातल इलम बेस और शिबा फार्म के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में जासूसी के आलात को निशाना बनाया और दुश्मन की सफ़ों को बराह रास्त जानी नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह लबनान की जानिब से यह बयान आज के ऑपरेशन के हवाले से है। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तानी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न होने पर अफसोस का इजहार। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले आम इंतखाबात पर रद्दअमल सामने आ गया। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने पर अफसोस का इजहार किया गया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में पोलिंग मुकम्मल होने का जायज़ा लिया है। कई माह के अल्तवा और गैर यकीनी सूरत हाल और एक कशीदा सिक्योरिटी माहौल के बाद इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, जिसमें पाकिस्तानी अवाम की शिरकत जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए इनकी वाबस्तगी को जाहिर करती है। ख्वातीन और दीगर अकलियतों ने दरपेश निजामी रुकावटों के बावजूद अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। लॉकहीड मार्टिन और सऊदी कंपनियों के माबैन मुआहिदा। ये मुआहिदा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका मशरक़ वस्ता में ईरान के हमायत याफ्ता ग्रोहों के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। लॉकहीड मार्टिन ने हाल ही में जारी किए गए एक बयान में कहा है कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के ज़ेली मुआहिदे सऊदी अरब की मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों में इजाफे के साथ साथ मुल्क के दफा को मजीद मजबूत बनाने में अहम करदार अदा करेंगे। नेज हथियार साजी की अमरीकी महारत सऊदी अरब को मुंतकिल हो सकेगी। इस हालिया मुआहिदे का ऐलान हाल ही में दारुल हुकूमत रियाद में आलमी दफाई शो के मौका पर किया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में शदीद बारिशों के बाद तालीमी अदारों में छुट्टी का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमीरात की 7 में से 6 रियासतों में शदीद बारिशों के बाद तालीमी अदारों में पीर को छुट्टी दे दी गई। मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासतों अबू ज़हबी, दुबई, शारजा, फजीरा, अजमान और रासल खैमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया और मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि महकमा तालीम ने दुबई और शारजा के तालीमी अदारों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया। पीटीआई का मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज, पुलिस का लाठी चार्ज। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान के ऐलान के बाद मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, जबकि रावलपिंडी में पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया। रावलपिंडी पुलिस ने पीटीआई एहतजाज को थानों की सतह पर रोकने का फैसला किया है। जिस थाने की हदूद में मुजाहरीन जमा हों या रैली निकालें, वहीं सख्ती से रोका जाए। जो बाइडन पाकिस्तान के इंतखाबी नतीजे तस्लीम ना करे, अमरीकी अरकान असम्बली। अमरीकी पार्लियामेंट के मुतद्दिद अरकान ने जो बाइडन इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में इंतखाबी नताज को इस वक्त तक तस्लीम ना करें जब तक के मुबैना बेजाबतियों की तहकीकात ना हो जाए।
इसराइली बमबारी में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के जवां साला बेटे शहीद। गजा में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबरा इस्माइल हानिया के बेटे हाजम हानिया इसराइली फौज के एक फजाई हमले में शहीद हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सोशल मीडिया अकाउंट से इतला दी गई है कि हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के बेटे हाजम इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया। मकामी फलस्तीनी मीडिया ने इन सोशल मीडिया दावों की बुनियाद पर कहा है कि सहूनी हुकूमत के लड़ाका तैयारों ने गजा में एक घर को निशाना बनाया जिससे इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बुध को अबू धाबी में पहले मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुत्तहिदा अरब अमीरात में मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म सरकारी दौरे पर मंगल को अबू धाबी पहुँचेंगे। दो रोज़ा दौरे के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और नायब सदर समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे और बुध को अबू धाबी में मशरिक़ वस्ती के पहले मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। अमेरिका में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, हलाकतों का खदशा। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया जिसके नतीजे में 5 फौजी हलाक हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज ने सान डियागो के पहाड़ों में हेलीकॉप्टर के हादसे में लापता होने वाले 5 फौजियों की मौत की तस्दीक कर दी। अमेरिका ने डॉलर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। रूस के सदर का कहना था कि अमेरिका ने डॉलर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और दीगर ममालिक की तजारत को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचाया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका ने कई ममालिक पर तजारती और इकतसादी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं और कुछ के तो असासे ही मुंजमद कर दिए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इन पाबंदियों को अपनी अजारादारी कायम रखने का एक हरबा करार देते हुए कहा कि अमेरिका इन हथकंडों से दुनिया पर अपना रोब और दबदबा कायम रखना चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका का सबसे बड़ा जुर्म अपनी धाक बिठाने के लिए खारजा पॉलिसी में डॉलर को बतौर हथियार इस्तेमाल करना है जिससे दुनिया भर में 80% तक तजारती लेन देन डॉलर में होने लगी। NA-253 से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में शामिल। NA-253 ज़ियारत से निशस्त जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली की निशस्त पर कामयाबी हासिल करने वाले आज़ाद उम्मीदवार मियां खान बुगटी ने वीडियो बयान में कहा कि मेरी पहले से भी कोशिश थी कि मुस्लिम लीग नून का टिकट मिले लेकिन मुझे टिकट ना मिल सका और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, इलाके के आवाम की सपोर्ट और वोट से जीत गया। मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो के लिए वजारत उज़्मा का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो के लिए वजारत उज़्मा का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के इजराए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ से आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने जुमे की रात को मुलाकात करके इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर गुफ्तगू की। हफ्ते को मुस्लिम लीग नून की क़ियादत का इजलास शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ जिसमें वफाक और पंजाब में हुकूमत साज के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। जाली इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी, सिराजुल हक। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, पीपी और एमक्यूएम को सपोर्ट किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हो जाए। मंसूरा में इजलास से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, ये वोटर्स के साथ ज्यादती थी जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। एमकेएम ने हुकूमत बनाने पर नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप मांग ली।
ज़राए के मुताबिक MQM ने मुतालबात की फहरिस्त नवाज शरीफ के सामने रख दी। ज़राए ने बताया कि MQM ने नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। ज़राए का कहना है कि कराची में वफाक के तरक्याती मनसूबों में MQM को ऑन बोर्ड रखा जाएगा। मुलाकात के दौरान दोनों जमातों के दरमियान आइंदा मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ और मुल्क को मुश्किलों से निकालने के लिए लाहे अमल पर गौर किया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।